नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। दोस्तों, अगर आपने हाल ही में सैमसंग गैलेक्सी M12 या फिर F12 परचेस किया होगा तो इसमें आपको कुछ सेटिंग्स मिलती है जो ऑफ रखी जाती है, लेकिन आपको उसे इनेबल करना है ताकि आप अच्छे से अपने फोन को यूज कर सको। तो इसमें ऐसे देखेंगे हम 10 सेटिंग्स जो आपको इनेबल करने हैं, जो फीचर्स आपको मिल जाते हैं जो डिसेबल किए गए हैं, लेकिन अगर आप उसे इनेबल कर देते हो तो आप अच्छे से अपने फोन को यूज कर सकते हो। आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा अपने फोन को यूज करने के दौरान। तो आपको ये कौन कौन सी 10 सेटिंग्स ऑन करनी है मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो फीचर है जो है नेविगेशन जेस्चर का। दोस्तों, आपको नेविगेशन जेस्चर इस फोन में मिल जाता है, मतलब आपको बटन का यूज नहीं करना है। आप इस तरीके से होम पे जा सकते हो, स्वाइप अप करके, स्वाइप एंड होल्ड करके रिसेंट एप्स देख सकते हो। बैक जाने के लिए आपको यहाँ से स्वाइप करना पड़ता है या फिर यहाँ से स्वाइप करना पड़ता है, तो आप इस नेविगेशन जेस्चर को यूज कर सकते हो। इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर आपको जाना है यहाँ पे डिस्प्ले में, और फिर आपको यहाँ पे जाना है नेविगेशन बार में, और आपको यहाँ पे स्वाइप जेस्चर इसे इनेबल करना है। इसके बाद जो भी स्वाइप जेस्चर है आप यहाँ पे देख सकते हो, आप उसे यूज कर सकते हो बड़ी आसानी से। दोस्तों, दूसरी जो सेटिंग है जो आपको ऑन करनी है वो है हैप्टिक फीडबैक के लिए। अगर आपको वाइब्रेशन चाहिए जब भी आप नेविगेशन जेस्चर का यूज करोगे और जब भी आप सैमसंग कीबोर्ड का यूज करोगे, तो टाइपिंग के दौरान अगर आपको वाइब्रेशन चाहिए, नेविगेशन जेस्चर का यूज करने के दौरान आपको अगर वाइब्रेशन चाहिए, तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग ऑन करनी है। तो आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग्स में, फिर आपको जाना है यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में, और फिर आपको यहाँ पे जाना है सिस्टम साउंड वाइब्रेशन कंट्रोल, और फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा वाइब्रेशन का ऑप्शन। आपको यहाँ पे नेविगेशन जेस्चर इसे इनेबल करना है और सैमसंग कीबोर्ड इसे भी इनेबल करना है। मतलब आप नेविगेशन जेस्चर और सैमसंग कीबोर्ड दोनों यूज करोगे तब आपको वाइब्रेशन फील होगा, और वाइब्रेशन कितनी रखनी है आप उसकी इंटेंसिटी भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे जाना है साउंड्स एंड वाइब्रेशन में, और फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा वाइब्रेशन इंटेंसिटी। यहाँ से आप जो वाइब्रेशन की इंटेंसिटी है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। दोस्तों, आपको इस फोन में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलता है जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिसेबल किया होता है, आपको उसे ऑन करना पड़ता है। तो उसे ऑन करने के लिए आपको जाना है फोन ऐप में, फिर आपको यहाँ पे जाना है थ्री डॉट्स पे यहाँ पे टैप करना है, जाना है सेटिंग्स में, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन रिकॉर्ड कॉल्स का, और आपको यहाँ पे ऑटो रिकॉर्ड कॉल्स इसे इनेबल करना है और आपको यहाँ पे कन्फर्म करना है। इसके अलावा अगर आप इस पर टैप करोगे तो आपको सारे कॉल करने हैं रिकॉर्ड, या फिर जो अनसेव्ड नंबर है उनके ही कॉल रिकॉर्ड करने, या फिर जो स्पेसिफिक नंबर है उनके कॉल रिकॉर्ड करने, आप इस तरीके से रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। दोस्तों, आपको इस फोन में एज पैनल का भी ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एज पैनल में आप अलग अलग पैनल से यहाँ पे सेट कर सकते हो ताकि आप शॉर्टकट में जो ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्ट कर सको, जैसे आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कुछ ऑप्शन, जैसे अलार्म यहाँ पे ऐड कर सकते हो, वीडियो यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आप यहां से किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हो। अगर आप किसी ऐप को लॉन्ग टैप करके बीच में यहां पे स्लाइड करते हो, ड्रैग करते हो, तो पॉपअप में यहां पे ओपन हो जाता है, आप यहां पे देख सकते हो। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर आपको जाना है यहां पे डिस्प्ले में, और फिर आपको यहां पे एज पैनल्स को इनेबल करना है। इसके बाद यहां पे आपको जाना है पैनल्स में, और आपको कौन कौन से पैनल यहां पे दिखाने हैं यहां पे एज पैनल पे, तो आपको यहाँ पे इन्हें टिक करना है, इनेबल करना है, सिलेक्ट करना है, जिसके बाद जो भी आपने यहाँ पे इनेबल किए होंगे वो पैनल आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों, इसमें डॉल्बी एटमोस का भी ऑप्शन मिलता है, तो जब भी आप किसी भी सॉन्ग को सुनोगे हेडफोन से तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, ऑडियो क्वालिटी काफी बेहतर आपको सुनाई देगी हेडफोन से। तो ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल किया होता है, आपको इसे इनेबल करना पड़ता है। तो आपको जाना है यहाँ पे क्विक पैनल में, और फिर आपको यहाँ पे डॉल्बी एटमोस यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे ना मिले तो आपको यहाँ पे प्लस के साइन पर टैप करना है, और यहाँ से मिल जाएगा आपको डॉल्बी एटमोस। आपको इसे लॉन्ग टैप करके ड्रैग करना है यहाँ पे और डन करना है, फिर आप इसे इनेबल कर सकते हो, लेकिन ये इनेबल होगा जब आप हेडफोन यूज करोगे तब। और जैसे आप इस पर लॉन्ग टैप करोगे तो आपको यहाँ पे डॉल्बी एटमोस के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है डॉल्बी एटमोस जो नॉर्मल होता है जब आप मूवी या सॉन्ग सुनोगे तब, और एक होता है डॉल्बी एटमोस फॉर गेमिंग, तो जब भी आप गेम खेलोगे गेमिंग के दौरान भी डॉल्बी एटमोस यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। और यहाँ से आप जो इक्वलाइजर है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, और ये इक्वलाइजर स्पीकर में भी काम करता है। दोस्तों, फिर आपको यहाँ पे एज लाइटिंग का ऑप्शन भी मिलता है, तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगी यहाँ पे आपको एज लाइटिंग मिल जाएगी, तो आपको इसे इनेबल करना है, बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, फिर आपको जाना है नोटिफिकेशंस में, और आपको यहाँ पे ब्रीफ पॉपअप सेटिंग्स पे, पहले इसके पहले आपको ब्रीफ पे क्लिक करना है, इसे सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे जाना है ब्रीफ पॉपअप सेटिंग्स में, और फिर आपको यहाँ पे एज लाइटिंग स्टाइल, इसमें आपको जो स्टाइल चाहिए एज लाइटिंग की आपको इसे यहाँ पे इनेबल करना है, और आप यहाँ पे कलर चूज कर सकते हो ऐप कलर के हिसाब से, मतलब ऐप के हिसाब से यहाँ पे कलर चूज होगा, या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी एक पर्टिकुलर कलर यहाँ पे रख सकते हो एज लाइटिंग के लिए,
और यहाँ पे आप उसकी ट्रांसपेरेंसी और ड्यूरेशन भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे एज लाइटिंग का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो पैनल है एलसीडी है, इसलिए जब स्क्रीन ऑन होगी तब भी आपको एज लाइटिंग इफेक्ट दिखाई देगा, जब स्क्रीन ऑफ होगी तब एज लाइटिंग इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। दोस्तों आप जो ब्राइटनेस है वो क्विक पैनल से भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए दो स्वाइप करना पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर आपको यहाँ पे नीचे ब्राइटनेस का बार दिख जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक स्वाइप में ही मुझे यहाँ पे ब्राइटनेस दिखाई दे ऊपर में, तो आप उसे यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे थ्री डॉट्स पर टैप करना है, फिर जाना है क्विक पैनल लेआउट में और आपको यहाँ पे शो ब्राइटनेस कंट्रोल, यहाँ पे इसे इनेबल करना है। इसके बाद जब भी आप यहाँ पे एक स्वाइप भी करोगे तो आपको यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल का जो पैनल है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फिर आप यहाँ से ऑटो ब्राइटनेस भी ऑन ऑफ कर सकते हो, तो बड़ा आसान हो जाता है यहाँ पे ब्राइटनेस को कंट्रोल करना। आपको एक ही स्वाइप करना है और यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हो ब्राइटनेस। दोस्तों सैमसंग के फोन में एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है, जैसे आप पावर बटन पे डबल प्रेस करोगे तो यहाँ पे कैमरा ऑन हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अगर आपको इस सेटिंग को चेंज करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे स्वाइप करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक बटन पावर बटन का बीच में, आपको इस पर टैप करना है और आपको मिल जाएगा यहाँ पे साइड की सेटिंग्स, और यहाँ पे जाके आपको मिल जाएगा डबल प्रेस। अगर आप करोगे तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे सिलेक्शन होता है क्विक लॉन्च कैमरा, लेकिन आप अगर यहाँ पे टैप करोगे ओपन ऐप और इसमें जाके आप जो किसी ऐप को ओपन करना चाहते हो, मान लो मुझे टॉर्च ओपन करना है तो मैं टॉर्च को सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद जब भी मैं यहाँ पे डबल प्रेस करूंगा पावर बटन पे तो यहाँ पे टॉर्च ऑन होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप ऑन ऑफ पावर बटन से ही कर सकते हो इस तरीके से। दोस्तों कई बार होता है बैकग्राउंड में बहुत सारे ऐप्स रन कर रहे होते हैं और उसके कारण बहुत सी रैम यूज हो जाती है, और अगर ज्यादा रैम यूज हो रही है तो आपका फोन लैग करने लग जाता है। अगर आप चाहते हो कि जो भी रैम यूज हो रही है आप उसे एक क्लिक में क्लीन कर सको तो आप ऐसा भी कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे एक विजेट रखना पड़ेगा, जिसके जरिए अगर आप एक ही क्लिक करोगे तो सारी जो रैम होगी वो फ्री हो जाएगी। तो आपको करना है इसे पिंच इन होम स्क्रीन पे, फिर जाना है यहाँ पे विजेट्स में और यहाँ पे आपको करना है डिवाइस केयर पे टैप, और यहाँ पे आपको स्वाइप करके दूसरा जो विजेट है उसे करना है ऐड। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो विजेट है यहाँ पे सेट हो चुका है इस तरीके से, और आप इस पर लॉन्ग टैप करके सेटिंग्स में जा सकते हो और यहाँ पे इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो ब्लैक या व्हाइट। दोस्तों फिर आपको यहाँ पे स्टोरेज और मेमोरी भी यहाँ पे दिख जाती है, तो आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाए बिना यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी 64 GB स्टोरेज में से 17 GB स्टोरेज यूज हुई है और 4 GB स्टोरेज में से 2.7 GB यूज हुई है। अगर आपको इसे चेंज करना हुआ तो आप यहाँ पे अवेलेबल पे सेट कर सकते हो। इसका मतलब है कि अब कितनी GB अवेलेबल है, कितनी मेमोरी अवेलेबल है वो यहाँ पे शो होगा। तो 47 GB स्टोरेज अवेलेबल है और रैम की बात करेंगे तो 951 MB अवेलेबल है। और इसके बाद आपको यहाँ पे करना है सेव। इसके बाद आप ये देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे क्लीन कर दूंगा, रैम काफी कम मेरे पास अवेलेबल है इसलिए मुझे यहाँ पे करना है क्लीन। मैं यहाँ पे क्लीन पे टैप करूंगा, जो रैम होगी फ्री हो जाएगी। और कितनी रैम फ्री हुई है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 430 MB मेमोरी फ्री हुई है और आप यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे 1.3 GB रैम अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप वन टैप में रैम को क्लीन करके आपकी रैम फ्री कर सकते हो। स्टोरेज कितनी यूज हो रही है, कितनी अवेलेबल है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो होम स्क्रीन पे ही इस विजेट के जरिए। दोस्तों कई बार होता है कि हमें बहुत सारी नोटिफिकेशन आती है यहाँ पे, और फिर कई बार होता है कि हम बिना देखे सभी को क्लियर कर देते हैं। ऐसे में अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ से मिस कर दी तो आपको उसे वापस अगर पाना हो तो आप उसे पा सकते हो, उसे देख सकते हो वापस। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, आपको जाना है नोटिफिकेशंस में, और आपको यहाँ पे जाना है एडवांस सेटिंग्स में, और आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री इस पर टैप करके इसे आपको ऑन करना है। ऐसे में मान लो आपने किसी भी नोटिफिकेशन को बिना ओपन किए अगर क्लियर कर दिया तो सारी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। आप यहाँ पे उनकी नोटिफिकेशन देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। मान लो आपने बहुत सारी नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लियर कर दी एक साथ, देखी भी नहीं, तो आपको सारी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों ये सारी सेटिंग्स आपको अपने फोन में ऑन कर देनी है जैसे आप अपने फोन को पहली बार सेटअप करते हो, ताकि आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F12 या फिर M12 को अच्छे से यूज कर सको। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में ईमेल भी कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।